दोस्तों आज मैं आपको परिचय कराने वाला हूं एक ऐसी दिव्य जड़ी बूटी से जिसका प्रयोग लाजवाब है। दोस्तों ये जो आप औषधि पौधा देख रहे हैं और ये जो फूलों से और फलों से भरा हुआ है, इसको देख लीजिए, पहचान लीजिए, ये बहुत ही चमत्कारी और दिव्य जड़ी बूटी है। इसको बोला जाता है कटेरी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी कटेरी है और देखिए ये बड़ी कटेरी के ये फल हैं। दोस्तों ये बड़ी कटेरी के जो ये फल हैं, ये बहुत ही अच्छे काम में लाए जाते हैं। जिस किसी को दांतों में कीड़े लगे हैं या फिर कोई चर्म रोग है, जैसे कि दाद, खाज, खुजली की समस्या है या फिर सूजन है, पारिया की शिकायत है, दर्द होता है, टॉन्सिल है, या फिर आपको कफ संबंधी कोई समस्या है, दमा है, श्वास है या वायरल इन्फेक्शन है, अगर कोई समस्या है तो ऐसे में आप इस कटेरी के फलों का सेवन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो पूरा प्रोसेस अपने इस जानकारी अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये इन फलों को आप तोड़िएगा, ये कटेरी के फल पक चुके हैं और पकने के साथ ही साथ इसमें पौधे में ही लग करके ये सूख चुके हैं। अब इनको अगर हम फोड़ेंगे तो इसमें बीज निकलेंगे, ये देखिएगा। ये अगर इसका जो दांतों में प्रयोग है, जो दांतों में कीड़े जिनके लग जाते हैं और काफ़ी दर्द होता है, ऐसी समस्या को दूर करने के लिए, दांतों के कीड़ों को जड़ से ख़त्म करने के लिए और दांत दर्द में राहत पाने के लिए, कटेरी के एक फल के ये सभी बीज आप बीड़ी में भर करके और इसका अगर धूम्रपान करते हैं तो ऐसा करने से दांत के कीड़े तत्काल ही मर जाते हैं। अगर कुल्ला करते हैं तो दांत संबंधी समस्या, जिन्हें पायरिया की समस्या होती है या जिन्हें और भी दांत दर्द है, मसूड़ों में सूजन है, वो खत्म हो जाता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, जिनको श्वास संबंधी विकार है, जिनको कफ संबंधी विकार है, वे कटेरी के फल अड़ूसा और मुलहटी, इनको अगर लेकर के क्वास बना करके सेवन करते हैं तो फेफड़ों में जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है, बलगम बाहर निकल जाता है। जिनको बहुत ज़्यादा खांसी चलती है उनके लिए ज़बरदस्त है, जिनको सीने में दर्द होता है या कफ जकड़ा रहता है उनके लिए ज़बरदस्त है ये कटेरी। तो ऐसे ही आप प्रयोग कर सकते हैं इन कटेरी के फलों का। तो दोस्तों ये देखिएगा, इस तरीके से बड़ी कटेरी भी मिल जाए या छोटी कटेरी मिल जाए, कटेरी कोई भी मिलेगी, दोनों कटेरी फ़ायदेमंद है, दोनों कटेरी प्रयोग और लाभकारी है। ये देखिएगा, ये बहुत ही गुणकारी है। जिनको चर्म रोग होता है, जैसे दांत, खाज, खुजली परेशान करती है, कील मुहासे चकित्ते परेशान करती हैं, और ऐसे में आप कटेरी के फलों का या कटेरी के पंचांग का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेस्ट है। तो देखिएगा दोस्तों ये कितना ज़बरदस्त है कटेरी का पौधा, इसके बहुत से फ़ायदे मैं आपको बता दिया। और ये देखिए ये पौधा है, तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और देखिएगा ये इस प्रकार, ये देखिएगा ये इसके फल हैं कटेरी के, ये देखिएगा। आप इनको ऐसे पके फलों को भी सुखा करके प्रयोग कर सकते हैं या सूखे हुए फलों को भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।